चलो भाई, आज का चैप्टर में देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में भूआकृति विज्ञान में हमने पिछले क्लास में, ऑनलाइन क्लास में दो क्वेश्चन पढ़ा लिया था। क्या पढ़ाया था हमने? वेगनर का सिद्धांत हमने पढ़ाया था, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, और एक पृथ्वी की उत्पत्ति, उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ये दो चीज पढ़ा दिए हैं। ये आप लोगों को बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है, इसी के अनुसार चल रहे हैं। अब आज मैं पढ़ा रहा हूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत, इसको प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, अगले बार आएगा निश्चित। क्वेश्चन लाए हैं आप? देखें, अपरदान चक्र कोपेन हिंद महासागर, चलिए प्लेट टेक्टोनिक्स आएगा, इसको देखें, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ये अगले बार आएगा, तो इसको बारीकी समझे। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत किसको कहते हैं सबसे पहले? तो सबसे पहले जानेंगे प्लेट किसको कहते हैं। तो प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। आप प्लेटों के स्वरूप एवं स्वभाव को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। आज जो सिद्धांत इसके लिए दिया गया है उसे थ्योरी सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में एकदम छोटा सा आंसर देना है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि प्लेट किसको कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स किसको कहते हैं। तो प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है, और प्लेटों के स्वरूप और स्वभाव में जो परिवर्तन होता है उसे प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, और जो इसके लिए सिद्धांत दिए गए हैं उसके थ्योरी। तो देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी 60 के दशक में, 1960 के दशक में आया। इसका अध्ययन किसी एक विद्वान ने नहीं किया, किसी एक ज्योग्राफर ने नहीं किया, इस सिद्धांत को कई ज्योग्राफरों के परिणाम स्वरूप आए, कई ज्योग्राफर ने मिलकर के दिया, लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण कार्य जो था हेरी हैस का था, हेरी हैस का था। इसके अलावे देखेंगे विल्सन, टूजो एवं मॉर्गन का, विल्सन टूजो एवं मॉर्गन का कार्य महत्वपूर्ण रहा है ये सिद्धांत को देने में। यह सिद्धांत जो है किस चीज का खोज करता है? प्लेटों की, कि प्लेट कितने हैं, प्लेटों की टकराहट क्या है, इसे गर्द का निर्माण कैसे होता है बता देते हैं। यह अध्ययन करता है ज्वालामुखी क्रियाओं का, यह अध्ययन करता है भूकंप का, यह प्लेट टेक्टोनिक्स जो है अध्ययन करता है पर्वत निर्माण का, ये अध्ययन करता है गर्त का, ये जो है अध्ययन करता है आपका नीतल प्रसरण का, ये इसका अध्ययन करता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, और ये पर्वतों के निर्माण विशेषकर मुड़दार पर्वत के निर्माण के बारे में बताता है, हिमालय रॉकी एंडीज पर्वत का, साथ ही ब्लॉक पर्वत
और का भी यह विशद विश्लेषण करता है। आप लोग ज्योग्राफी की भाषा में लिखेंगे, ठीक है, सभी विषय की अलग अलग भाषाएं होती है। आप इस देखेंगे कि ये सिद्धांत जो इसका अध्ययन प्रस्तुत करता है, यह 60 के दशक में जो सिद्धांत दिया गया वह भूगोल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन था और यह क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है, जिसमें बताया गया है प्लेट के बारे में कि जो धरातल है उसमें 7 बड़े प्लेट पर टिके हुए हैं, 7 बड़े प्लेट हैं, बड़े प्लेट हैं और 6 छोटे प्लेट हैं। लेकिन नासा ने 100 प्लेट का अध्ययन किया है कि 100 लगभग 100 प्लेट है। प्लेटों की देखेंगे जो है गहराई 60 किलोमीटर तक मानी गई है। आप देखेंगे इसे, अब देखेंगे प्लेट गति करती है। प्लेट जो है ऐसे मान लीजिए कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये गति करता है। एक होता है बिलगाव, होता है खिसक गया, बिलगाव हो गया, इधर से इधर चला गया। एक घर्षण करता है और एक टकराता है, ये 3 तरह की क्रियाएं करता है ये प्लेट। 3 तरह की क्रियाएं क्या करता है देखेंगे इसमें। एक को अपसारी कहते हैं, एक को अभिसारी कहते हैं, एक को रूपांतर सीमाएं कहते हैं। और देखेंगे इसमें प्लेट के गति के बारे में बताया जाता है कि कैसे प्लेट गति है और कैसे स्थल का निर्माण होता है प्लेटों के द्वारा, टकराने से क्या क्या बनता है, ये हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आप पाएंगे इसमें, हम एक मैप बनाता हूं, मिटा दे इसको, आप देखेंगे ये इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ये हो गया आपका इंडियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ये हो गया उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और ये हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट, ये हो गया अफ्रीकन प्लेट, 2 2 4 2 6, एक छूटा अंटार्कटिक प्लेट, ये सबसे नीचे अंटार्कटिक प्लेट, ये हो गया आपका ये बड़े प्लेट में है, किस चीज का है,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसके अंतर्गत आ गया। ये बड़े प्लेट नो है, यूरेशियाई प्लेट, इंडियन प्लेट, इसकी बड़े प्लेट यही है, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 आएगा, 7 ना आएगा, 1 नहीं 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 भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट है। ये जो है, इस जो भाग है, ये वाला भाग है जो, ये प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट, इसमें आ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट कहते हैं जिसको, लेकिन उसको इंडियन प्लेट के नाम से ही जानते हैं, ये आता है। ये 7 तरह के बड़ी प्लेट है। छोटी प्लेट में इसका नाम है, आप देखेंगे छोटे प्लेटों में, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, दूसरा हो गया कॉकस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कॉकस प्लेट, फिर हो गया आपका कैरिबियन प्लेट, नास्का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नास्का प्लेट, और छठा हो जाएगा आपका इस्कोसिया प्लेट, इस्कोसिया प्लेट। ये 6 छोटे, नाम सिर्फ लिख देना है, मैप पर इसको बना देना है, इसको मैप पर बना देना है, यहां पर दिखा देना है कि ये प्लेट, ये प्लेट है। तो ये आपके जो है, ये प्लेट के बारे में बताता है, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है कि इसकी गति होती है। गति कैसे होती है देखेंगे, प्लेटों की गति तथा विपरतने की क्रियाएं। ये कह रहा है कि ऊपर से हल्के चट्टान, ऊपर से जो हल्के चट्टान है वो दुर्बल मंडल पर तैर रहा है, दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। दूसरे सिद्धांत में कह रहा है क्या कि महासागरीय सतह के प्रसार के कारण प्लेटों में खिसकाव आ रहा है, उसमें खिसकाव आ रहा है दबाव के कारण। अब इसी आधार पर जो ज्योग्राफर थे उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 3 प्रकार के जो है प्लेटों की सीमाएं बताई। वो कौन कौन सीमाएं हैं आप देखेंगे, अपसारी सीमा, सीमाएं, दूसरा अभिसारी सीमाएं, तीसरा रूपांतर। बारीकी से समझिएगा इसको, बताते हैं इसको, देखेंगे इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और दूसरे को कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, और तीसरे को कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये तीसरा। अब देखेंगे कि ये जो है अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, रूपांतर सीमा। अपसारी सीमा क्या होता है, जिसे बनाए थे मैप, देखेंगे ये 2 प्लेट है मान लीजिए, तो दोनों का बिलगाव होता है, बिलगाव, दोनों का बिलगाव होता है, दोनों अलग हट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। इसीलिए परिप्रशांत पेटी में देखिएगा ज्वालामुखी क्रियाएं अधिक होती है। तो बिलगाव के कारण अपसारी सीमा में दोनों प्लेटों का अलग बिलगाव हो जाता है, तो उसमें ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, जिससे नए स्थल का भी निर्माण होता है। अभिसारी सीमाएं, ये देखेंगे 2 प्लेटों की आपस में टकराहट होती है, देखेंगे बताते हैं।
दो प्लेट है, देखेंगे प्लेट ए बी, दो प्लेट है ठीक है ना, प्लेट पी एल ए टी प्लेट, हाँ ठीक, प्लेट ए प्लेट बी, ये दोनों जो है आपस में टकराते हैं, तब भारी प्लेट जो होता है वह नीचे आ जाता है, ये बेनी ऑफ है। देखेंगे दोनों प्लेट की आपस में टकराने के कारण नए स्थल का निर्माण होता है, और दोनों प्लेटों की टकराने की तीन क्रियाएं होती है, महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय टक्कर, महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, दूसरा महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर, तीसरा महासागरीय महासागरीय टक्कर, तीन तरह के टक्कर हुआ, महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर हुआ तो क्या बना, हिमालय आल्पस रॉकी एंडीज पर्वतों का निर्माण, मुर्दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ये जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो भारी प्लेट होता है उसका नीचे छेपन हो जाता है, और ये बेनी ऑफ में आप देखेंगे मैग्मा पिघल जाता है, क्योंकि यहां गर्मी टेम्परेचर अधिक होता है और ये ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगता है और यही फोल्ड होने लगता है, जिसे आप मुर्दार पर्वत कहते हैं, जिसे आप मुर्दार पर्वत कहते हैं। बेनी ऑफ जो होता है वह सबसे इसका निचला अंदर भाग होता है, जो ये यहां पर पिघलता है, इसका नाम ही इसको कहते हैं बेनी ऑफ रख दिया गया। अब आप देखेंगे इसमें कि ये जो है यहां से मैग्मा पिघल कर पिघलेगा तो ऊपर फोल्ड होगा, दोनों टकराएगा तो फोल्ड होगा, ऊपर एक बार चल जाएगा, तो ये मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, कोई दिक्कत। महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर देखेंगे, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट में टक्कर होता है, तो देखेंगे आप कि एक सेकेंड इसको इसमें मत रखिए, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, देखिएगा उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर क्या है, महासागरीय प्लेट है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों प्लेटों के टक्कर से क्या बना, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत, और यहां दक्षिणी अमेरिका और फिर आप देखेंगे प्रशांत महासागर प्लेट के टकराने से क्या बना, एंडीज पर्वत निर्माण हो गया, ये दोनों के टकराने से महासागरीय महासागरीय प्लेट टक्कर, दो महासागरीय प्लेट के टकराने से स्थल का निर्माण होता है, जैसे जापान में होनसू द्वीप, इस बार सर पीटी में क्वेश्चन भी आया था, होनसू द्वीप आया था, देखिए यहां आ गया, पढ़ा भी दिए, बहुत लोग नाम भी नहीं सुना होगा उस समय, हाँ, तो ये जापान, ये दोनों महासागरीय प्लेटों के टक्कर से हुआ। अब देखेंगे महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट टक्कर कैसे, टकराने से
हिमालय आल्पस का निर्माण और महाद्वीपीय महासागर टक्कर से उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत का, महासागरीय महासागरीय टक्कर से जापान के होनशु द्वीप का निर्माण हुआ। अब यहां देखिएगा, अपसारी सीमाएं से क्या हुई, ज्वालामुखी क्रियाओं का, ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न हुई और अपसारी सीमा से क्या हुई, पर्वत का निर्माण हुआ। और रूपांतर सीमा में क्या होता है, रूपांतर में घरगड़ खाता है, दो प्लेट, प्लेट वन एंड प्लेट टू, ये दोनों प्लेट वन एंड प्लेट टू, ये दोनों आपस में रगड़ खाते हैं। तो रगड़ने पर क्या होगा, दो चीज को रगड़ेंगे तो क्या होगा, पैदा होगा गर्मी। तो अब इसमें क्या होगा, भूकंप आएगा। अब आप समझ आ गए भूकंप की बात है, तो ये भूकंपीय क्रिया है, सब चीज इसी से, इससे पर्वत का निर्माण हो गया, इससे ज्वालामुखी, इससे भूकंप। आज जब यही देखेंगे यहां बेनियोप में ज्यादा हो गया, तो यही गर्त का निर्माण होता है, यही गर्त का निर्माण कर देता है, जो समुद्र में महासागर में आप गर्त पड़ते हैं ना, मेरियाना गर्त है ना, सुंडा गर्त, यही ज्यादा दबट प्लेट के, ज्यादा भारी प्लेट के और हल्के प्लेट के टकराने से भारी प्लेट का छेपन हो जाता है, नीचे छेपन के फलिया फलस्वरूप यहां पर गर्त का निर्माण हो जाता है। हाँ, तो महासागर में गर्त होगा, तो दो महासागरीय प्लेट टकराएगा, आपका दो महासागरीय प्लेट टकराएगा तब ना, तो वहां गर्त का निर्माण हो जाता है, द्वीप का भी निर्माण होता है, ऊपर उठ गया द्वीप हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो है भूगर्भिक क्रियाओं का यह आकलन करता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, आप देखेंगे स्थल निर्माण, पर्वत निर्माण से लेकर के गर्त, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, मोर्दार प्रबंध, ब्लॉक प्रबंध, वनस्पति पर, सभी के निर्माण के लिए यह प्रमाण देता है, इसलिए सबसे प्रमाणिक यह सिद्धांत माना गया है। लेकिन इसकी देखेंगे विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं देखेंगे इसमें, कि यह भूगर्भिक समस्याओं का समाधान करता है, और इस क्या समाधान करता है, यह पर्वत निर्माण को की व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से करता है, ज्वालामुखी क्रियाओं, भूकंप क्रियाओं का यह अध्ययन बेहतर तरीके से किया है, फिर भी इसके आलोचनाएं की जाती है, विद्वानों ने, ज्योग्राफरों ने इसकी आलोचना की है। क्या आलोचना की है, आप देखेंगे कि यह सिद्धांत प्लेटों की गति के कारणों के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है कि इसकी गति कैसे होती है। दूसरा, इसने क्या किया है कि दो प्लेट के मिलन वाली सीमा और बिलगाव वाली सीमा के बीच कोई समरूपता नहीं पाई जाती है, दो प्लेटों के बिलगाव वाली सीमा और मिलन वाली सीमा में कोई एकरूपता समरूपता नहीं पाई जाती है। तीसरी आलोचना इसने बताया कि तीसरी समस्या यह है कि सभी महासागरों में प्रत्यावर्तन क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, सभी प्रत्यावर्तन क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं सभी महासागर, तो ये आलोचनाएं की गई। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत खोज में, प्लेटों की खोज में एक क्रांतिकारी सिद्धांत माना गया है, जो भूविर्गन के रूप में, अलगाव के रूप में, प्लेटों के अध्ययन के रूप में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कोई दिक्कत, यही लिखना रहता है, कभी कभी शॉर्ट आएगा 25 नंबर का, कभी आ जाएगा 50 नंबर में भी, लेकिन आजकल 25 नंबर में पूछता है, तो इस हाँ तो पूछेगा उस तरह से लिख दीजिएगा। है हाँ, बिलगांव का ये बताए थे कि तीसरी समस्या यह है कि सभी महासागरों में प्रत्यावर्तन क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, पुनः कई प्लेट अपने अंदर की एक से अधिक दिशा में गतिशीलता के परिचय देते हैं।
प्रत्यावर्तन क्षेत्र इसी को माना जाता है, ये प्रत्यावर्तन क्षेत्र है। हा हा हा, इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में ये बता रहा है। और कोई दिक्कत साहब? सब क्लियर हो गया ना? यही चीज लिखना है तो नोट्स लिखा दें। लिखिए लिखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ১৯৬০ के दशक में प्रकाश में आया, प्रकाश में आया। क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग? क्वेश्चन लिख दें हम, क्वेश्चन लिख लीजिए ऊपर में, क्वेश्चन लिख लीजिए प्रश्न। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें। चलिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर कई भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसंधान का परिणाम है, कई भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसंधान का परिणाम है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम कार्य हेरी हैस के द्वारा किया गया। पुनः विल्सन मैकेंजी पार्कर, पुनः विल्सन मैकेंजी पार्कर ने इसकी विशद व्याख्या की है, इसकी विशद व्याख्या की है। पराचेंज, स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, स्थलीय दीर्घ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विपर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। पृथ्वी का स्थल मंडल कई प्लेटों में बटा है। उपयुक्त मान्यता कई प्लेटों में बटा है
सामान्यतः सात बड़े प्लेट तथा 6 छोटे प्लेट है। जबकि नासा के अनुसार 100 प्लेटें हैं। इन बड़े प्लेटों को विश्व के मानचित्र पर निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यहां मैप बना लीजिएगा वर्ल्ड का, हम दे देंगे, फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उसको यहां पर बना लीजिएगा आप लोग, उसमें बना बनाया, क्योंकि अब तो फिर बनाना पड़ेगा ना, तो उसको हम बना करके जो बैट बोर्ड पर बनाए थे उसी को फिर बना देना है। चलिए पैराग्राफ चेंज। छोटे प्लेटों में अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, कॉकस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नास्का प्लेट, तथा स्कोसिया प्लेट है, यहां लिखा हुआ है स्कोसिया प्लेट है। पराचेंज, यह सिद्धांत तीन मान्यताओं पर आधारित है। पहला, सागर नीतल का प्रसरण हो रहा है, सागर नीतल का प्रसरण हो रहा है। और नए क्रस्ट का सतत निर्माण हो रहा है। पृथ्वी का दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र नियत है। और क्षेत्रफल में जरा भी बदलाव आ रहा है। नए क्रस्ट की जनन की तुलना में बहुत सूक्ष्म है। नेक्स्ट, तीसरा, एक बार क्रस्ट का
निर्माण हो जाने पर एक बार क्रस्ट का निर्माण हो जाने पर वह दृढ़ भूखंड का वह दृढ़ प्लेट का अंश बन जाता है। लिखिए प्लेटों की सीमाएं पॉइंट बनाइए। प्लेटों की सीमाएं आंसर लिखिए। प्लेटों में तीन प्रकार की गति होती है। जिसके फलस्वरूप तीन प्रकार की सीमाएं बनती है। तीनों लिखिए। पहला पसारी सीमाएं, दूसरा अभिसारी सीमाएं, तीसरा रूपांतर सीमाएं। रूपांतर सीमाएं पहला का एक्सप्लेन करना होगा। अपसारी सीमाएं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। इसमें संवहनीय तरंगे